अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में आई थी ये सोच कर कि एक दो अपसेट करेंगे, क्योंकि इस टीम ने 2020 में अच्छा किया था और 50 में जो छोटे नेशंस हैं उनके साथ अच्छा करते थे। लेकिन पांच मैच, पांचों हार और बहुत सारा कलेश टीम का वो सामने आ रहा है। शायद अफगानिस्तान ये सोच रहा होगा कि वर्ल्ड कप खत्म हो, घर वापस जाया जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इनके लिए यादगार नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान की क्रिकेट जो बन रही थी उसे तोड़ सकता है। थोड़ा पीछे जाएं, वर्ल्ड कप से ठीक पहले कप्तान को हटा दिया जाता है। हालांकि खिलाड़ियों ने कहा कि आप कप्तान को मत हटाइए, लेकिन कप्तान को हटा दिया गया। उसके बाद कोच फिल सिमंस और दौलत, जो उनके पुराने खिलाड़ी थे, उसके बाद अब सिलेक्टर बन गए, उनके बीच लड़ाई। फिल सिमंस ने तो ट्विटर पर कह दिया है कि वर्ल्ड कप के बाद बताऊँगा कौन क्या कर रहा है। मोहम्मद शहजाद को जिस तरह वापस भेजा गया, मोहम्मद शहजाद वापस जाकर रो पड़े, उन्होंने कहा मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। और उसके बाद मैनचेस्टर में जो पिछला मैच हारने के बाद खिलाड़ियों का रेस्टोरेंट पर झगड़ा हुआ, पुलिस को बुलाया गया, ये बांग्लादेश अफगानिस्तान टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है। सामने मैच भारत के साथ है, भारत बड़ी टीम है, अफगानिस्तान के पास खिलाड़ी थे, राशिद खान पर बहुत कुछ निर्भर करता था, लेकिन वो 20 ओवर की क्रिकेट को 50 में तब्दील नहीं कर पाए। यही चीज़ उनके बाकी स्पिनर्स के साथ भी हो रही है। दूसरी बात यह है कि इस ठंड में, इस मौसम में जहाँ सीमिंग कंडीशंस हैं, अफगानिस्तान के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद मौसम भी उनको रास नहीं आ रहा। भारत और अफगानिस्तान का मैच लगता नहीं है कि कोई मुकाबला होगा, क्योंकि भारत जिस तरह से खेल रहा है अफगानिस्तान उनके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत को यहाँ से अब आगे करना है कि जो मैच हैं उन्हें जीता जाए, ताकि लीग में टॉप किया जाए। लीग में टॉप करने का फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि फिर आप शायद इंग्लैंड को अवॉइड कर लेंगे सेमीफाइनल में। अफगानिस्तान के लिए शायद दरवाजे बंद हो चुके हैं। स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। मौसम भी देखिए, आज बादल हैं लेकिन हल्की हल्की धूप भी निकली है। हमेशा की तरह मैच की सुबह सुबह अगर आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब्ड होंगे तो मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ मौसम की रिपोर्ट लेकर, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की खेल, खिलाड़ियों की फिटनेस और मौसम, इन तीन चीज़ों पर ही तो सवाल बने रहे हैं।